फरहान अख्तर ने डॉन 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि इस बार फिल्म में शाहरुख खान नहीं होंगे। फरहान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। फरहान ने लिखा कि उन्होंने शाहरुख के साथ डॉन सीरीज की 2 फिल्मों में काम किया। ये दोनों फिल्में उनके दिल के काफी ज्यादा करीब हैं। अब वे डॉन की लिगेसी को नए एक्टर के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि डॉन 3 में लीड एक्टर कौन होगा, फरहान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। वैसे ज्यादातर उम्मीद है कि रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस करेंगे। हालांकि फैंस को फरहान का यह निर्णय समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर बिना शाहरुख खान के डॉन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। फरहान ने एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर लिखा, 1978 में सलीम जावेद ने एक कैरेक्टर बनाया। मिस्टर बच्चन ने उस कैरेक्टर को बखूबी निभाया। फिल्म को थिएटर्स में देखने भारी भीड़ उमड़ी। इस कैरेक्टर का नाम था डॉन। 2006 में डॉन की कहानी की फिर से कल्पना की गई। इसे शाहरुख खान ने बड़ी नजाकत के साथ पेश किया। राइटर और डायरेक्टर होने के नाते मैंने इन दोनों फिल्मों को बनाते वक्त काफी एंजॉय किया। शाहरुख खान के साथ दोनों फिल्मों में काम करना मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। अब डॉन की लिगेसी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसके साथ एक ऐसा एक्टर जुड़ने वाला है जिसके टैलेंट और वर्सटैलिटी को मैं एडमायर करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे भी वही प्यार देंगे जो आपने मिस्टर बच्चन और शाहरुख खान को दिया है। 2025 में डॉन के नए युग की शुरुआत होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।